कोई कहिंदा के सोना चांदी है ना, मैं सब तो तुहानू तो पता ही है, तुसी कह रहे हो 20-25 साल पहला क्या सी के, कोई कहिंदा है अकल है वड्डी, कोई कहिंदा है शक्ल है वड्डी, कोई कहिंदा है सोना चांदी सब तो वड्डा रुपया, पर भोले बादशाह सब तो वड्डी है मेरी मैया। गल तो सारी मां दी है, वो भावें जग जननी होवे, भावें जिन्हें तुहानू जमया वह होवे, उहदे तों वड्डा रुतबा किसे दा नहीं, रूप इक्को ही है जी। मेहरबानी, शुक्रिया। मेरी होर भी सारे मीडिया नूं गुजारिश है कि प्लीज़, सारे संगठनां नूं भी गुजारिश है, मेरे भरावां नूं, मैं सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट करदा और हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट करदा, बाकी धर्मां दे भी बहुत रिस्पैक्ट करदा, मेरे मेरे वास्ते बहुत सारे ही रिस्पैक्टेड ने, कि प्लीज़ हुण इस गल नूं विराम ला दिओ। ये चीज़ा साढ़े पंजाब च होनिया ही नहीं चाहिए, ये चीज़ा साढ़े इस भारत देश से होनिया ही नहीं चाहिए। विराम ला दो हुण, बस करो यार, बस करो, बहुत हो गया, तुहाडी बहुत मेहरबानी। असी सारे ही एक दूजे के भरावां, भैण भैणा भरावां वांगू सारे रवो, महाराणी का नाम लो, बाकी जय माता। मैं जिवें पहला बेनती की सी कि मैं ते मेरा जिहड़ा परिवार है, मेरा डैडी, मेरा दादा, मेरा पड़दादा, मेरा लक्कड़ दादा, वो शुरू तो ही माता रानी दे सेवक ने, और शुरू तो ही असी जागरण ते माता दियां भेटां, पंजाबी गाने तो बाद चो मैं शुरू किए, पहला मैं भजनी सुने आ ते भजनी गाए, और मेरे दिल विच या मेरी जिंदगी विच माता रानी दी बहुत उच्ची थां है। जेडे मेरे गुरु ने, जिन्हां नूं जेडे मेरे अध्यात्मिक गुरु ने, साईं जी, बाबा मुराद शाह जी, बाबा लाडी शाह जी, वो भी मैनू ये कहते होंगे सी कि पुत्र जय माता दी करया कर, और माता रानी सब दा हाथ फड़दी है, उन्हें तेरा भी हाथ फड़िया है, जय माता दी करया कर, और वो तो साड़ी भी माँ है, वो तो सारी जगत दी माँ है। गल सिर्फ इन्नी की है कि अज इत्थे मैं इस करके आया सी कि मैनू लग्या मेरे दिल नूं कि नहीं यार, उत्थे जाना चाहिए और माता रानी दे दर्शन भी करने चाहिए, और महाराज जी नाल विचार भी सांझे करने चाहिए है। और अज मैनू जिहड़ा ये जागरण दी परंपरा, चलो मैं पहला भी ओ थोड़ा बहुत जाणू सी, पर जिहड़ी अज ओ मैनू ग्रंथ मिलिया है बहुत खूबसूरत, जिहदे च जागरण दी पूरी विधि है, ओ उहदे ते मैं कायम रहांगा, क्योंकि माँ सारिआं दी सांझी है। माँ दा नाम जे अच्छे तरीके नाल लिया जावे ओ ही बैटर है। बाकी मैं विश्वास दवाना कि जिदा पहला मैं माता रानी जी की सेवा करता रहा, तुहाडी सेवा करता रहा सारिआं दी, उदां ही हुण करता रहूँगा। और जिन्हें भी संगठन ने, हिंदू संगठन ने, जिन्हें भी मेरे भरा ने सारे, हो भावें कितों भी ने, जलंधर तो, पटियाले तो, या रोपड़ तो, या नंगल तो, वो सारे मेरे अपने ने, उन्हां नाल मैं सिर्फ इन्नी बेनती करांगा कि मैं तुहाडा भरा वां, और माता रानी दे जिदा तुसी सेवक हो, मैं भी सेवक हाँ। कई बारी तेरा मेरा तू मैं दी ओ, थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हो जाता, पर मेरी जिहड़ी भावना है वो मेरी माँ दे प्रति हमेशा यही रही है कि उहदे तों उत्ते कोई नहीं, उहदे तों वड्डा कोई नहीं। बाकी जिहड़ी होर तुसी कोई मेरे तो सवाल पूछना चाहुंदे हो कि कंट्रोवर्सियां चल रहियां, मैं उहदे बारे जवाब देना नहीं चाहुंदा, क्योंकि मैं पहले ही बड़ा अपसैट हाँ इस चीज़ तों कि बार 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 इक्को ही गल नूं तुसी आपां हो रहा है ना, है तां इंसान ही आपां सारे, चाहे वह कोई होवे, है ना। कन्हैया भाजी भी मेरे भरा ने, मेरे मेरे तो बहुत छोटे ने, आई थिंक मेरे तो 10-15 साल छोटे ने, मैं जदों गाना शुरू किया उदों वो मेरा ख्याल पैदा होए होने, ते वो भी मेरे भरा ने, उन्हां दे दिल च भी कुछ इदां दा नहीं है, पर कई बार जदों मैं, जिवें तुहानूं मैं कहा कि कई बार जुबान इधर उधर हो जाती है, वो उन्हां दी भी हो गई होनी, मेरी भी हो गई सी, ते कोई गल नहीं, वो भी भरा ने, वो भी जागरण करन, सारा कुछ माता रानी दे अनुसार होना चाहिए, वो करन, मैं भी उन्हां दे नाल हाँ, वो मेरे नाल ने, गल हो गई खत्म। हुण इस झगड़े नूं देईए विराम ते लईए श्री राम दा नाम, जय श्री राम, जे लईए जय माता माता दी, जी, जय कालो पिट्ठिया मुरादा वाली दा, सच्चे दरबार की जय, मैं लवां जी किसी दा, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा शेरा वाली दा।
देखो सब तो पहला तो सब नू जय माई जय महाकाल। जय माई जय महाकाल। उस तो बाद आज सलीम जी श्री काली माता मंदिर दरबार दे विच मत्था टेकन आए थी ते साडे शहर दे जिहड़ियां प्रमुख शख्सियतां ने कई साडे सज्जन मित्र सनातन नू प्यार करन वाले भी लोग उन्हां वल्लों श्री हिंदू तख्त नू अज सवेर तो संपर्क साध्या गया सी। संपर्क साध के विचारां होईआं विचार चर्चावां तो बाद कई गल्लां बातां होईआं जदों कि अज सलीम जी सवेरे पहलां चिंतपुरनी माता दे दरबार दे विच पुजारियों की सभा के उपस्थित होए थी। उन्होंने उत्थे भी उस भुल चुक की जिहड़ी माई के चरणों के माफ़ी बख्शाई थी भुल बख्शाई थी उदे दौरान उत्थे चलदिया जिन्हें साथियों ने इत्थे बेनती की थी भी आपां सलीम जी आ रहे हैं तो उन्होंने जिहड़ा जबान तो सज्जे खब्बे होई है उहदा उन्होंने भी खदसा अफसोस है इस करके वह गल आके करनी चाहते हैं क्योंकि श्री हिंदू तख्त ने नंगल दे विच एक जागरण रख्या होया सी ते मैं संपूर्ण तौर पर उस जागरण से पाबंदी ला के संघर्ष करने वास्ते हिंदू तखत के कानूनों नू ड्यूटियां लाइया सी। इस करके साडा आपसी संपर्क होना जरूरी थी। कल मैं ते साडे हिंदू सुरक्षा समिति के प्रधान राजेश केर जी बार्डर एरिए दे विच जलालाबाद धर्म प्रचार ते सी उत्थे भी इन्हां चर्चावां दा जिहड़ा बाजार बहुत गर्म सी ते प्रैस दे मुहाफिज़ हुंदिआं होइआं असीं इस गल दा विरोध कीता सी। अज सलीम जी नाल बैठ के मीटिंग हुई है जिहदे च राजेश केर जी भी सन जागरण मंडल दे जिहड़े ऑल इंडिया दे प्रधान अश्विनी जी भी सी काली माता मंदिर जिहड़ी एडवाइजरी कमेटी है उहदे चों संदीप बंधू जी होर जिन्ने साडे यूथ दा प्रधान साडा कुशल चोपड़ा विकास जिहड़े भरा हिंदू दा दर्द रखदे आ सनातन दा दर्द रखदे आ उहनां दे विच मेरा छोटा भरा जिहड़ा जिमी आचार बाजार तों काका जी आर्या समाज चौंक तों इह सारे साथियां ने विचार चर्चावां करन तो बाद विस्तारपूर्वक जो जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज ने ग्रंथ की एक रचना करवाई सी एक पंथ जागरण जागरण का ग्रंथ उदी उदे मतलक एक मिनट जी उदे मतलक जिहड़ा भाईजान उन्हां नूं जिहड़ा जाणू करवाया गया उन्होंने उस तो बखूबी वह कहिंदे पहलां भी जाणू सी पर उन्होंने कभी भी जी जागरण देटा की बेअदबी नहीं की कभी उन्होंने झाकियां पेश नहीं कीतियां उन्होंने दसन के मुताबिक चलो ये आप भी जानते हैं सारे पंजाबी भी जेडे इन्हों पिता जी से वो एक पंजाबी साहित के पंजाबी कलाकारा पंजाबी गायकी की वही नर्सरी से वो यूनीवर्सिटी चो अनेक रूह अनेक आवाजा निकल के जी अज पंजाब की सभ्यता की सेवा कर रही ने उन्हां दी गलबात नूं मन्नदिआं होइआं उन्होंने धर्म के विश्वास जताया तो सलीम जी तुहानूं अपने आप ही दस देंगे उन्होंने संपूर्ण तौर पर जिहड़ी पहला गल सी उहदे ते अपने गलती भी मन्नी है जो भी होया गलती होगी। दूसरी गल माई भी उन्होंने माफ़ करे असीं तां इंसान हाँ इन्हां दे नाल दे हाँ मेरा तो सिर्फ तो सिर्फ कौम दी नुमाइंदगी करना मकसद है जिथे कौम कराहे पएगी जां कौम नूं किते लगेगा भी सिस्टम नहीं सैट मैं अपने ग्रंथा अपने प्राणा के मुताबिक कौम नू जिहड़ा वह अगवाई करनी है तो कौम नू दसना है भी साडा जिहड़ा सही राह किहड़ा है उस तहत दिओ ग्रंथ अज जिहड़ा ग्रंथ है वह हुण असीं समिति वल्लों तख्त वल्लों ते समुची कमेटी वल्लों जी जी आ तुहाडे सारे कैमरे के सामने सलीम जी नू जिहड़ा ये ग्रंथ दे रहे हैं जी इहनू ध्यान नाल देख लो ग्रंथ है माता इहदे विच बहुत वड्डी नियमावली है इहदे विच इहनू करन दा जिहड़ा तरीका है इहदे तहत जिहड़े हुण जागरण है पंजाब दे विच हो रहे है सारियां जागरण मंडलियां दे कोले ग्रंथ हैगा जिवें सनातन कीर्तन जागरण मंडलियां दे कोले ग्रंथ हैगा अज साडे इस भरा ने भी इह ग्रंथ है जिहड़ा माई दे चरणा चो काली माता मंदिर के दरबार चो आके प्राप्त किया है तो असं आशा रखते हैं भी अगे तो भी सलीम जी जिवें हुण भावना रख रहे माई के प्रति अगे भी यहोजी माई बुद्धि बख्शे ते भावना रखन ते ग्रंथ के मुताबिक माई के दरबार की सेवा करते रहन ते श्री हिंदू तख्त ने जिहड़ा नंगल का ना जागरण करन का बयान दिता सी वह पूरी मर्यादा के तहत साडा भरा उत्थे जाके जागरण करेगा महा माई के जागरण के विच आपां इहदा सहयोग करिए क्योंकि जिहड़ा परिवार का बंदा भुलिया चुकिया घर वापस आ जाता हुंदा है उहनूं भुलिया विसरिया नहीं कहिंदा हुंदा सवेर का गया शामी घर आ जाए वह अपना हुंदा है ते इह माई की सेवा
ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾਗਰਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਸਲੀਮ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਲੀਮ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਟੱਪਾ ਟਪਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਸਲੀਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਰੂਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰਣ ਸੁਧਾਰ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਜੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਲੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਗਈ।